खुश होंगे। और देखिए हम खाना वाना बना कर माँज कर नहा कर कपड़ा धोकर सब आ गए हैं। और इधर हम देखिए खाना लेकर बैठ गए हैं। बनाए थे लतरा का भुजिया और पालक की दाल चावल रोटी। दाल नहीं बनाए थे, पालक की दाल बनाए थे। सारे कपड़े धोकर डाल दिए हैं बच्चों का, अपना पापा का है। और इधर मेरा गोईठा है, धूप भी कड़ाके वाली है। इधर धान ओसा कर हम रख दिए हैं। मेरा धान ओसा गया है, अभी काटना है। वो काट कर आएगा, उसे ही पीटना ओसाना है। इधर हवा भी चल रहा है कितना तेज़ी से देखिए। और दोपहर का समय भी हो गया है, दोपहर 1 बज रहा है। और इधर चिड़ियों को भी आवाज़ सुनाई देती होगी, तो उसके लिए सॉरी। आप लोगों को भी पालक की दाल और चावल खाना है तो प्लीज़ आ जाइए। और हम तो जा रहे हैं खाना खाने। अभी बर्तन नहीं धोए हैं, आ जाएंगे बच्चे 2 बजे आते हैं, आ जाएंगे तो उनको खाना देकर तब बर्तन धो लेंगे। और जो खा लिए हैं वो तो धो लिए हैं चाय और का बर्तन। और सिर्फ कुकर है, एक भगवना है, एक कढ़ाई है जो भुजिया बनाए थे, वही 2 नहीं धोए हैं, वो बाकी है। तो आ जाएंगे खाएंगे। तो गांव में तो जानते हैं बिल्ली इतना परेशान करती है, अगर अच्छा से दरवाज़ा नहीं लाग रहेगा तुरंत वो जूठा कर चली जाती है। इसलिए कुकर में रोटी चावल बंद कर रख देते हैं, जब बच्चे आ जाते हैं खा लेते हैं तब हम उसे धोते हैं। चलिए खा कर, और जब बच्चे आ जाएंगे तब मिलते हैं। सो गाइस देखिए इधर आ गए हैं मेरे दोनों बच्चे, खाना खा लिए हैं। तो खाना खा लें तो मैं आप जा रही हूँ बर्तन धोने। बर्तन धो रहे हैं और गांव में देखिए इसी तरह बर्तन हम लोग बैठ कर धोते हैं। देखिए इधर बच्चे आ गए हैं, खाना सब खा लिए हैं और हम बर्तन की धुलाई कर लिए हैं। अब जा रहे हैं भैंस के यहाँ। और शाम का समय हो गया, शाम बर्तन वर्तन सब धो लिए हैं और शाम होगा तो खाना बनाएंगे और कुछ नहीं। देखते हैं शाम को क्या खाना बनता है, और मालूम नहीं, पता नहीं क्या बनाएंगे। इधर देखिए हम बर्तन धोकर रख दिए हैं और अब जा रहे हैं नीचे, और जूट कटोरा में भर दें, ले जाकर भैंस के डाल देंगे। इधर बाल्टी ले लेंगे खाना बनाने के लिए, लाएंगे पानी। और इधर मेरा कपड़ा सारा सूख गया, अब इसे नीचे उतारेंगे। इधर सब धान ओसा कर रखा हुआ है, गाय। देखिए इधर आ गया है समोसा, और हम और मेरी बेटी हैं और पापा पर सब खा लिए हैं। और इधर शाम सुप्रेंड देखिए आज मैं पनीर बनाऊंगी। प्याज को उबाल कर इसमें मिर्च और लहसुन, प्याज को उबालती हैं, थोड़ा सा पानी डालकर अब उबाल कर निकाल दें एक बर्तन में। फिर अपने अनुसार ऑयल डाल दीजिए। ऑयल में जीरा तेजपात, जब ये भुन जाएगा तो इसमें गरम मसाला लिए हैं, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। इस पानी डालकर घोल बनाकर इसे फ्राई करेंगे, भुनेंगे।
और जब थोड़ा भून जाएगा तो जो प्याज उबाले हैं उसको भी इसी में ऐड कर देंगे। और एक बार इसी तरह बनाइए, बहुत इजी तरीके से बन जाता है कम समय में। देखिए फटाफट कैसे 5 मिनट में आपका ये पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपके यहाँ मेहमान आ जाए तुरंत जल्दी से तो इसे इसी तरह आप बनाकर तुरंत देखिए कितना जल्दी ये पनीर बनकर तैयार हो जाता है। अब खाने में बहुत स्वादिष्ट बनता है। देखिए कितनी इसकी ग्रेवी अच्छी आती है, वो भी पतली वाली नहीं है, जो आप मिक्सी में पीस कर लहसुन प्याज डालते हैं उस पर आपकी बहुत गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी बनेगा। अपने अनुसार पानी डाल दीजिए, कम या बेसी, जितना आपको पसंद है उतना। अगर चावल से खाना है तो आपको ग्रेवी थोड़ा अधिक लेनी पड़ेगी। देखिए स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसके बाद हम पनीर डालकर आप 2-3 सीटी लगा दीजिए। कुकर में थोड़ा पानी कम ही डाला जाता है क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं सूखता है, और कढ़ाई वढ़ाई में बनाएंगे तो पानी लगेगा, मगर इस कुकर में बनाएंगे तो पानी अधिक नहीं लगता है। इसमें लगाकर 2 सीटी लगा दें। देखिए इधर हमारे खाली हैं, अब हम बच गया है ये, देखिए कितनी अच्छी मेरी पनीर बनकर तैयार हो गई है। एक देखने में पनीर लग रही है। धनिया के पत्ते नहीं डाले हैं। और आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं जो भी न्यू वीडियो